राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर हालातों का जायजा लिया, जहां निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री गर्ग ने नगर निगम में अधिकारियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की और लोगों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। मंत्री गर्ग ने ऊंचा भरतपुर आगरा बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश गोयल, महापौर अभिजीत कुमार जाटव भी मौजूद रहे। नई स्थिति डेवलप हुई थी यहाँ, कुछ हमारे जो अर्जन बस्ती के पास जो जाटा बस्ती है उसमें सपना और मिला और अतर सिंह का जो परिवार है, चंद्र प्रकाश का परिवार, जो गलत तरीके से आगरा से यहाँ आ गया प्राइवेट एम्बुलेंस के बहाने, उसकी वजह से दो की रिपोर्ट मुझे पॉजिटिव आई है। उसकी वजह से इसके जो एरिया है शहर का, इसके एक किलोमीटर के दायरे में जो कर्फ्यू लगाया गया है, अन्यथा जो मैं व्यक्तिगत रूप से मांग के चल रहा था कि जल्दी ही भरतपुर जो है रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ जाएगा, क्योंकि 112 जो केस थे कल से पहले, उसमें से जो कल रिपोर्ट आई थी 103 की नेगेटिव आ गई, दो रिपोर्ट लगा था, तो वो करीब करीब देखा जाए तो उसके हिसाब से स्थिति काफी अच्छी अनुकूल लग रही थी। लेकिन इन दो के जो नए आए इसकी वजह से